सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज कस्बे के साजिद अस्पताल पर आज स्माइल ट्रेन संस्था ने कैंप लगाकर कटे होठ और तालू के मरीजों का निशुल्क इलाज करने का बीड़ा उठाया। ये संस्था कैंप लगाकर जिन लोगों के होठ कटे हो या तालू कटा हो जांच प्रशिक्षित डॉक्टरों से जांच करवाते हैं। जांच के बाद इन मरीजों को लखनऊ ले जाकर ऑपरेशन करवाते हैं। इस शिविर का आयोजन जिले के साजिद हॉस्पिटल ने करवाया। साजिद हॉस्पिटल के प्रबंधक ने बताया कि ये संस्था सेवा भाव से पूरे कार्य बिल्कुल निशुल्क करती है। यहाँ तक कि इस रोग के मरीजों को दवाओं के साथ साथ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर छोड़ने की जिम्मेवारी निभाती है। जो मरीज इस शिविर में आते हैं उनकी सर्जरी भी निशुल्क की जाती है। ये हमारी अमेरिका की स्पाइनल संस्थान द्वारा एक निःशुल्क कैंप का साजिद हॉस्पिटल में हम लोगों ने आयोजन किया है और इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ मरीजों को एकत्रित करके सिर्फ उनको ऑपरेशन कराना नहीं है। इस कैंप के द्वारा हम लोग एक समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं इस कटे होठ तालू की विकृति द्वारा जो जन्मजात है कि इसके जो जितने भी बच्चे होते हैं उन सबका इलाज संभव है और जितनी भी विकृतियां हम लोग के जितने भी स्थितियाँ हमारे समाज में ऑलरेडी परसिस्ट कर रही हैं उन सबको हम मिटाना चाहते हैं जिसकी वजह से कई हमारे जो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जो स्नेह उन्हें अपने घर वालों से मिलना चाहिए वो उन्हें भी नहीं मिलता है। जल्दी से जल्दी वो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, बड़े होने तक का उसका इंतजार करते हैं। और सर यहाँ पर हमने सुना कि कटे होठ और तालू का निःशुल्क इलाज होता है, उसकी वजह से